बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ब्रॉस्टैक्स की सर्वाइवल वीडियोस के साथ एक नई वीडियो के साथ हम आपके पास आए हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये हमने अपने घर में एक एक्सपेरिमेंटल एक चीज बनाई थी, यानी बारिश के पानी को जमा करने का एक छोटा सा निज़ाम हमने बनाया था। और ये आज पाकिस्तान में जो हर तरफ पानी की किल्लत है, आने वाले वक्तों में मजीद किल्लत होगी, और बारिश के पानी में जो अल्लाह ताला हमें करोड़ों अरबों गैलन पानी एक बरसात की बारिश में, चंद घंटों की बारिश में जो पाकिस्तान पर बरसता है, उसमें कितना पानी हम जमा करते हैं, कितना जाया जाता है। हर घर के ऊपर इतना पानी बरसता है कि अगर वो उसको जमा कर ले तो कई आने वाले कई दिनों तक गाड़ियां धोने के लिए, पौधों के लिए, बाथरूम के लिए, नहाने धोने के लिए, इवन पीने के लिए आपके घर में पानी का जखीरा जमा हो सकता है। जैसे आप इस सिस्टम को देख रहे हैं, ये हमने सिर्फ घर की छत पे एक बमटी थी छोटी सी, यानी छोटा सा एक कमरा था सिर्फ, उस कमरे के ऊपर हमने एक ड्रेन लगा हुआ था जिसको हमने, जिसका बारिश का पानी हमने जमा करने के लिए, और रात दो ढाई घंटे बारिश हुई है और आप ये देखिए कि ये पूरी टैंकी भर गई और ओवरफ्लो करने लगी, और इतना साफ पानी इस वक्त इसमें जमा हुआ है कि अगर हम चाहें तो इस पानी को पी भी सकते हैं, वुजू भी कर सकते हैं, गुसल कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए, वॉशरूम के लिए, सारे कामों में ये पानी की टंकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आम घर के लिए तकरीबन एक या दो दिन तो बहुत आसानी से इसमें से आप निकाला जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ड्रेन पाइप्स है, ये छत से जो पानी आता है ये छत पे आता था और छत से ये नीचे नालियों में चला जाता है। रास्ते में हमने थोड़ा सा इसको टर्न करके ये पानी की रबड़ की टंकी लगा ली प्लास्टिक की, और ये हमारे पास पानी का जखीरा जमा हो गया। आने वाले वक्तों में आप जब घर डिजाइन करें, जितने भी नए घर बनाए जा रहे हैं, सोचिए पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लाजाज हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उन सब की छतों पर जो पानी गिरता है, अगर उसको जमा कर लिया जाए तो वो पानी कितने तवील अरसे तक आपके पौधों के लिए, गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घरों में ये सिस्टम लगाई, और जो नए घर बना रहे हैं वहां तो लाजमन जितने भी ड्रेन एग्जिट्स हैं उनके नीचे आप इस तरह का सिस्टम बका दिया। आप घर के अंदर दो पानी की टंकियां बना लीजिए, एक नॉर्मल पानी की टंकी और एक वो पानी की टंकी जिसमें पूरे घर से बारिश का पानी जमा करके आप उसमें जमा करें, बाद में वहां या मोटर लगाएं या डोल से निकालें या बाल्टियां भरें, वो आपको उन तमाम कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है जहां पर आप फ्रेश वाटर यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा निज़ाम है, हमने चूंकि खुद पहले अपने घर में लगाया और इससे हमें पानी, अब हमारे पास एक रिजर्व स्टॉक थोड़ा सा है। और जैसे कहा कि ये सिर्फ एक ड्रेन पाइप था, ममटी पे छोटा सा लगाया तो हमें इतना पानी रात दो घंटे की बारिश में मिल गया कि पूरी टंकी भर गई हमारे पास। इस निज़ाम को अपने घरों में लगाइए, आपने देख लिया लगाना एक मिनट की बात है, ये टंकी बनी बनाई मिलती है, इसके नीचे गेट वाल्व लगा हुआ है, ये सिर्फ आपने ड्रेन पाइप को टर्न करके इसके अंदर डालना, ढकने में हमें थोड़ा सुराख करना पड़ा और सुराख करके ये पाइप हमने इसके अंदर से उतार लिया। पानी बचाइए, सईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि वुजू एहतियात से करो, पानी बचाओ, चाहे तुम चश्मे के किनारे, दरिया के किनारे क्यों ना रहते हो। इस हद तक हम मुसलमानों के दीन और ईमान का हिस्सा है कि पानी बचा कर इस्तेमाल करें, और मुल्क में तो वैसे ही पानी का कहत है, तो बारिश के पानी को जो अल्लाह की रहमत है उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए ये छोटा सा सिस्टम हमने करके बना के दिखा दिया। अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है, अपने घरों में सिस्टम लगाएं, बनाएं, पूरे पाकिस्तान में करो तो क्या ही बात है, लाखों करोड़ों के अरबों गैलन पानी हम इस तरह महफूज कर सकते हैं जो बारिश का आता है। हुकूमती सतह का इंतजार ना करें कि हुकूमत करेगी, डैम बनाएगी, वो नहीं करने वाली, करेगी तो अच्छी बात है, ना करें तो कम से कम आप अपनी ज़ाती कैपेसिटी में अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए इस काम को जरूर करें, इनकरेज करें, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं बच्चों को ताकि अपने घरों में जाकर ये काम को किया जा सके। वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग अब इस पाकिस्तान का एक बहुत क्रिटिकल इशू है, इस पर सीरियसली हम शहरियों को काम करना है, हुकूमतों का इंतजार न करें। अल्लाह ताला बरकत देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।